सर्व समाज अनारक्षित मंच के तत्वाधान में हिमाचल बंद के आह्वान को लेकर हमीरपुर में भी बाजार बंद रहे और लोगों ने SC ST के नए कानून के विरोध में समर्थन दिया। गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केंद्र सरकार को चेताया कि अगर सरकार जल्द SC ST के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निरस्त किया जाए, नहीं तो आने वाले चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जेजे सिंह ने बताया कि आज लोगों को सख्त कदम उठाते हुए सबक सीखना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि नई पार्टी का गठन करके बाकी पार्टियों को दरकिनार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जातिवाद के साथ काला कानून को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी और सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि आने वाले चुनावों में इन पार्टियों को बहिष्कृत किया जाए और ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो समाज से जाति पाति बात को खत्म करने की बात करने के साथ साथ में ये जो नए नए गलत कानून बनाए जा रहे हैं जिससे समाज के बीच में धर्म और जाति के बीच में के नाम पर नफरत बढ़ रही है, उसको समाप्त करने के लिए हमें जातिवाद के साथ साथ इन काले कानूनों को भी खत्म करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। वहीं ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अवनीश अब्बू ने कहा कि केंद्र सरकार ने SC ST के नया कानून को लागू करने के विरोध में आज हिमाचल बंद किया है, जिसमें सभी व्यापारी वर्ग का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि आज स्वर्ण वर्ग की दुर्गति हो रही है। अब्बू ने कहा कि वोटों की राजनीति के लिए केंद्र सरकार लगी है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। जो प्रदेश स्तर की एक कॉल थी कि SC ST अमेंडेड एक्ट 2018 जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाते हुए हमारी केंद्र सरकार ने नया कानून तैयार किया, उसके विरोध में हमीरपुर जिला पूरे स्तर पर बंद है। चाहे हमीरपुर बाजार है, यहाँ पे व्यापारियों को पूरा सहयोग मिला है। नदौन, भोरंज, भोटा और छोटे छोटे सारे बाजार बंद है व्यापार भाइयों का और सुवर्ण भाइयों का, सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी जिस समाज ने, जिस वर्ग ने इस देश को सदियों से, जिस देश का नेतृत्व किया और जिस देश को ऊपर ले जाने में अपना सहयोग दिया है, उस वर्ग के ऊपर जितनी भी सरकारें केंद्र में आई हैं, उन्होंने एक ऐसी जंजीर हमारे ऊपर फेंकी हुई है, एक ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। इतनी दुर्गति सामान्य वर्ग की हो रही है, सुवर्ण वर्ग की हो रही है, और अब यह समय आ गया है, सुवर्ण वर्ग भी जाग गया है। और हम ये चेतावनी आपके माध्यम से देना चाहते हैं सुवर्ण वर्ग की ओर से कि हम किसी भी वर्ग, एक तो हम किसी भी वर्ग के विरोध में नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हम किसी भी कास्ट के विरोध में नहीं है। हमें राजनेताओं के द्वारा पैदा किया जा रहा जो सिस्टम है, अंग्रेजों की तरह किस वोटों की राजनीति के लिए, सत्ता में बैठे रहने के लिए समाज को जो विभाजित करने की इनकी नीति है, उसके विरोध में हम इकट्ठे हैं। और मैं एक चेतावनी आपके माध्यम से हर एक सामान्य वर्ग की ओर से देना चाहता हूं कि राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों, आप सचेत हो जाओ, आपका भविष्य वरना खतरे में है। धन्यवाद। राजपूत महासभा के अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने कहा कि अगर सरकार जल्द SC ST के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निरस्त नहीं करती है तो आने वाले चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने हिमाचल बंद के लिए लोगों के समर्थन पर भी आभार जताया। तो मैं हमीरपुर के व्यापार मंडल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे जो आज हिमाचल बंद का आह्वान था उस पर 100% जो है वो समर्थन किया है। मैं राजपूत महासभा की ओर से फिर हिमाचल सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जातिगत आरक्षण को समाज के हित में, देश के हित में तुरंत वापस लें और SC ST एक्ट जो एक काला कानून है, इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पुनः स्थापित किया जाए। यही हमारी दो मुख्य मांगे हैं। यदि सरकार इसमें विफल रहती है तो हमें अगले चुनावों में एक अलग मोर्चे के रूप में अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करने में कोई गुरेज नहीं होगा।